हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कबूतरी होती है वो 2 से 3 अंडे देती है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों, जो अंडे होते हैं वो केवल मादा कबूतरी ही उस अंडे पर बैठती है कि नर कबूतर भी उस अंडे पर बैठता है। दोस्तों, हम आपको अभी बताएंगे कि दोस्तों, उस कबूतर पर नर और मादा दोनों बैठते हैं कि दोस्तों, उस अंडे पर केवल मादा ही बैठती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको ऐसे वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम भी 2 कबूतर रखी हुई हूँ दोस्तों, जैसे कि एक है वो नर है दोस्तों और एक मादा कबूतर है। भी हम अपने कबूतर को दिखलाएंगे और दोस्तों आपको बताएंगे कि अंडे पर नर और मादा दोनों बैठते हैं कि केवल मादा ही बैठती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने कबूतर के पास और दोस्तों हम आपको अभी दिखलाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं हमने आ चुके हैं रूम में और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमारे कबूतर हैं दोस्तों, देख सकते हैं, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी भी जो कबूतरी है वो भी 2 अंडे दी हुई है दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, जो है कि हमारी जो कबूतरी है वो भी 2 अंडे दी हुई है, आप देख सकते हैं अंडे पे जो है कि बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, जो है कि हम बताएंगे कि इस अंडे पर नर बैठा है या फीमेल। तो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम आपको आज बताने वाली थी कि अंडे को नर और मादा दोनों अंडे पर बैठते हैं कि केवल मादा ही अंडे पर बैठती है। तो दोस्तों, जो है कि नर और मादा दोनों अंडे पर बैठते हैं दोस्तों, और दोस्तों कब नर अंडे पर बैठता है और कब मादा अंडे पर बैठती है, तो दोस्तों जो है कि हम अभी आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और देख सकते हैं दोस्तों जो है कि अंडे पर एक जो कबूतर है वो बैठा हुआ है। तो दोस्तों, जो अंडे पर बैठा हुआ है वो नर कबूतर है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अंडे पर बैठा हुआ है। और दोस्तों, जो इधर है ये वाली है दोस्तों, ये मादा कबूतरी है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो है कि अंडे को नर और मादा दोनों ही अंडे पर बैठते हैं। और दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि कैसे वो अंडे पर बैठते हैं। तो दोस्तों, जो है कि सुबह के टाइम दोस्तों, यानी दोस्तों सुबह में देख सकते हैं, सुबह में दोस्तों जो है कि नर कबूतर अंडे पर बैठता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो नर कबूतर है वो अंडे पर बैठा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे जो फीमेल कबूतर है यानी मादा कबूतर वो बाहर है, देख सकते हैं इधर दोस्तों। तो दोस्तों, जो है कि जो फीमेल कबूतर है दोस्तों, ये रात को अंडे पर बैठती हैं दोस्तों, और दिन में जो है कि मेल कबूतर अंडे पर बैठते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नर कबूतर है वो अंडे पर बैठा हुआ है और जो फीमेल कबूतरी है वो अंडे पर नहीं बैठी है, वो बाहर है। तो दोस्तों, जो है कि पूरे दिन फीमेल जो कबूतरी है वो बाहर रहेगी और दोस्तों शाम जब होगी दोस्तों तो ये अंडे पर बैठ जाएगी और जो मेल कबूतर है वो बाहर आ जाएगा, डब्बे से बाहर आ जाएगा दोस्तों, यानी वो अंडे को छोड़ के बाहर आ जाएगा और उस पर जो है कि मादा कबूतर जाकर अंडे पर बैठ जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो है कि दिन में जो है नर कबूतर अंडे पर बैठता है और रात को मादा कबूतरी अंडे पर बैठती है, आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है कि नर कबूतर अंडे पर बैठा हुआ है और दोस्तों, जो है कि सुबह का टाइम है, देख सकते हैं। अब दोस्तों, जो है कि नर कबूतर पूरे दिन अंडे पर बैठा रहेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो मादा कबूतरी है वो बाहर निकल चुकी है और दोस्तों देखिए
वो दाने खा रही है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों जो शाम होगा तो ये अंडे पर बैठ जाएगी और नर कबूतर निकल जाएगा बाहर और वो दाने खा लेगा। आप देख सकते हैं अभी जो मादा कबूतरी है वो दाने खा रही थी। और दोस्तों जो है कि फीमेल कबूतरी जो है दोस्तों, फीमेल कबूतरी है दोस्तों, वो रात को यानी दोस्तों शाम को वो अंडे पर बैठेगी और दोस्तों सुबह सुबह में अंडे को छोड़ देगी, नर कबूतर जाकर बैठेगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके जो है कि नर और मादा दोनों अंडे पर बैठते हैं और दोस्तों और आराम से जो है कि दाने भी खा लेते हैं। जब नर कबूतर अंडे को अंडे पर बैठ जाता है तो मादा कबूतरी दाने खाती है, पानी पी लेती है। और जब मादा कबूतरी अंडे पर बैठती है तो नर कबूतर दाना खा लेता है और पानी पी लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है कि अंडे का केयर करते हैं दोस्तों, दोनों मिलके, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों जो है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप जान गए होंगे कि जो है कि नर और मादा दोनों ही अंडे पर बैठते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे कबूतर और कबूतरी को दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रहा कि दोस्तों जो अंडे, जो कबूतरी का अंडे है उस पे नर और मादा दोनों अंडे पर बैठते हैं कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि नर और मादा दोनों अंडे पर बैठते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक शेयर, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों आपको कबूतर के बारे में ऐसी वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।